वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है, स्केलेटल सिस्टम। और स्केलेटल सिस्टम में अपन किस चीज पे डिस्कस करेंगे आज, जो अपना एक्जियल स्केलेटन है उस पे क्या है अपन आज डिस्कस करेंगे। नया लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अपन ने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, उसको एक बार अपन फिर से समराइज कर लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था हार्मोन रेगुलेशन ऑफ बोन ग्रोथ, बोन के ग्रोथ के लिए कौन से हार्मोन की जरूरत होती है, फंक्शन ऑफ बोन के बारे में डिस्कस किया था, बोन मार्किंग के बारे में डिस्कस किया था। तो एक बार अपन इनको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हार्मोन रेगुलेशन ऑफ बोन ग्रोथ। हार्मोन्स दैट रेगुलेट द ग्रोथ एंड कंसिस्टेंसी ऑफ साइज एंड शेप ऑफ बोन इंक्लूड द फॉलोइंग। ग्रोथ हार्मोन एंड द थायराइड हार्मोन थायरोक्सिन एंड हाइड्रोथायरोक्सिन आर स्पेशली इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग एफिशिएंसी एंड चाइल्डहुड डेफिसिट, और एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ दिस रिजल्ट इन अबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द स्केलेटल। ग्रोथ हार्मोन जो है वो थायराइड हार्मोन, थायरोक्सिन, ट्राइआयडोथायरोक्सिन, ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, चाइल्डहुड के अंदर। किस चीज़ के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए। अगर इसका एक्सेसिव सिक्रेशन होता है और डेफिसिट होता है, कम और ज़्यादा दोनों ही क्या है, अपनी जो स्केलेटल है उसको क्या है, अबनॉर्मल ग्रोथ की ओर लेके जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन इन्फ्लुएंस द फिजिकल चेंजेस दैट अकर एट प्यूबर्टी। टेस्टोस्टेरोन और जो अपने एस्ट्रोजन है वो क्या है, फिजिकल चेंजेस के लिए हेल्पफुल है। जैसे क्या होगा, ये किस में सपोर्ट करते हैं, द ग्रोथ सपोर्ट है चेंजेस इन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द स्केलेटल। स्केलेटल के अंदर क्या है, मेल और फीमेल जो है उनके जो प्यूबर्टी के दौरान उनके क्या है, जो ऑर्गन्स हैं उनको क्या है, मैच्योर करने में क्या है, ये हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट है, थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड फॉर्म द पैराथायराइड ग्लैंड आर इन्वॉल्व इन होमियोस्टेसिस ऑफ ब्लड एंड बोन कैल्शियम लेवल रिक्वायर्ड द बोन डेवलपमेंट। बोन के डेवलपमेंट के लिए क्या है, होमियोस्टेसिस, और जो अपना बोन कैल्शियम लेवल है वो क्या है, रिक्वायर होता है। ऑल्दो द लेंथ एंड शेप ऑफ बोन डज नॉट नॉर्मली चेंजेस आफ्टर ऑसिफिकेशन इज कंप्लीट, बोन टिश्यू इज कंटिन्यूली बींग रिमॉडल एंड रिप्लेसमेंट डैमेज। ऑस्टियोब्लास्ट कंटिन्यू टू ले डाउन ऑस्टियॉइड एंड ऑस्टियोक्लास्ट रीअब्जॉर्ब इट, और ये क्या है, रीअब्जॉर्ब कर लेता है इसको। द रेट इन डिफरेंट बोन वेरियस, द डिस्टल पार्ट ऑफ द फीमर इज रिप्लेस ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ 5 to 6 months। ये कब तक रिप्लेस हो जाती है, 5 to 6 months में क्या है, ये रिप्लेस हो जाती है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ द बोन। बोन के फंक्शन क्या क्या हैं, बोन के फंक्शन की बात करें अपन तो बोन है वे वैरायटी ऑफ फंक्शन। बोन के क्या है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, उसमें वैरायटी में उसके क्या है, फंक्शन होते हैं। तो क्या है, बोन प्रोवाइड द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। बोन क्या करती है, अपनी बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराती है। गिव अटैचमेंट टू मसल्स एंड टेंडन, जो अपनी मसल्स हैं उनको क्या है, अटैचमेंट प्रोवाइड कराती है उनको। परमिट मूवमेंट ऑफ द बॉडी एज ए होल एंड पार्ट ऑफ द बॉडी बाय फॉर्मिंग जॉइंट्स दैट आर मूव बाय द मसल्स। मूवमेंट से उनको क्या करती है, अलाउ करती है अपने पूरे बॉडी के।
form the boundaries of the cranial thoracic and the pelvic cavities protecting the organ from the content. क्या है? Protection का काम भी किसका रहता है? Bone का protection का काम भी रहता है. Contain red bone marrow in which bone cell develop hematopoiesis. Hematopoiesis की process भी क्या है? Bone करती है. Provide a reservoir of the minerals, especially calcium phosphate. ठीक है? Calcium phosphate जो है उसको क्या है? Provide भी कराती है. नेक्स्ट क्या है? बोन मार्किंग. बोन मार्किंग में क्या होता है? मोस्ट बोन हैव ए रफ सरफेस राइज प्रोक्टोग्रेंसेस एंड राइज विच गिव अटैचमेंट टू मसल्स टेंडन एंड लिगामेंट. दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिविजुअल बोन अनलेस दे आर द पर्टिकुलर नोट बट मैनी आर मार्क्ड ऑन इलस्ट्रेशन. द बोन ऑफ द स्केलेटल आर डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स. जो स्केलेटल की बोन है वो कितने ग्रुप्स में डिवाइडेड है? दो ग्रुप्स के अंदर क्या है? डिवाइडेड होती है. सबसे पहला क्या है अपना? एक्जियल स्केलेटल होता है. सेकेंड क्या है? अपेंडिकुलर स्केलेटल होता है. तो आज अपन किस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे? जो अपना एक्जियल स्केलेटल है उस पर क्या है अपन आज डिस्कस करेंगे. क्या है? डायग्राम दिखाया गया है. डायग्राम के अंदर क्या है? जो ए डायग्राम है ये क्या है? एंटीरियर व्यू है किसका? एक्जियल स्केलेटल का. और बी है वो क्या है? लेटरल व्यू है. तो इसके अंदर जो गोल्ड कलर का जो पार्ट दिखाया गया है वो क्या है? एक्जियल स्केलेटल है. और जो रिमेनिंग जो ब्राउन कलर का पार्ट है वो क्या है? अपेंडिकुलर क्या है? सेक्शन है. तो सबसे पहले क्या है? एक्जियल स्केलेटन जो क्या है आज का अपना टॉपिक है. एक्जियल स्केलेटन दिस पार्ट कंसिस्ट ऑफ ये किस किस से मिलता है? किस किस से बनके मिलता है? स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम. Together the bone forming these structure constitute the central body core of the body, the axis. क्या क्या है इसके पार्ट? Skull, vertebra, ribs और sternum. ये क्या है अपने axial skeleton के पार्ट होते हैं. तो axial skeleton किस किस से बनता है? Axial skeleton में अपन ने डायग्राम में देखा था. तो axial skeleton में क्या है? ये जो गोल्ड पार्ट है यही क्या है अपना गोल्ड वाला पार्ट क्या है अपना एक्जियल स्केलेटल है. और एक्जियल स्केलेटल में क्या क्या है अपने को? कौन से पार्ट है? स्कल हो गया, वर्टिब्रल कॉलम हो गया, रिब्स और स्टर्नम हो गए. ये क्या है अपने एक्जियल स्केलेटल के पार्ट होते हैं.
नेक्स्ट क्या है, सबसे पहला पॉइंट अपना क्या है, स्कल। एक्सियल स्केलेटल में अपन सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ेंगे, स्कल। द स्कल रेस्ट ऑन द अपर एंड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम एंड इट्स बोनी स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। जो अपने स्कल है वो कहां पे रहता है, स्कल रेस्ट ऑन द अपर एंड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम एंड इट्स बोनी स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। ये क्या है, कितने पार्ट में डिवाइडेड रहती है बोनी स्ट्रक्चर, तो वो दो भागों के अंदर क्या है, डिवाइडेड रहती है। कौन सा है, क्रेनियम है और फेस है। स्कल जो है, स्कल अपने कितने भागों के अंदर डिवाइडेड है, दो भागों के अंदर डिवाइडेड रहता है। सबसे पहला कौन सा है, क्रेनियम होता है, देन आफ्टर क्या है अपना, कौन सा पार्ट होता है, फेस होता है। तो एक्जियल स्केलेटल के अंदर अपन सबसे पहला क्या, कौन सा पॉइंट आता है अपना, स्कल आता है। स्कल के अंदर क्या क्या चीजें होती है, स्कल रेस्ट ऑन द अपर एंड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। अपर एंड जो है किसका, वर्टिब्रल कॉलम का, वहां पे क्या है सिचुएटेड रहता है, एंड इट्स बोनी स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कितने भागों में डिवाइडेड है, दो भागों के अंदर क्या है इसकी स्ट्रक्चर डिवाइड रहती है। सबसे पहले कौन सा पार्ट होता है, क्रेनियम पार्ट होता है, देन आफ्टर क्या होता है, फेस होता है। ये क्या है, बोन है किसकी, स्कल की बोन है और उनके सूचर्स हैं, उनके बारे में क्या है यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाया गया है। तो ये क्या है, सुपीरियर टेम्पोरल लाइन है, ठीक है, ये इन्फीरियर टेम्पोरल लाइन है, ये पैराइटल टेम्पोरल लाइन है, ये स्क्यूमस सूचर है यहाँ पे, ये टेम्पोरल बोन दिखाई गई है, ये लैम्बडल सूचर है, ये ऑक्सीपिटल बोन है, ये एक्सटर्नल, ये मैस्टॉइड प्रोसेस है, ठीक है, ये स्टर्ड प्रोसेस है, ये जाइगोमेटिक आर्च है आपका, जाइगोमेटिक आर्च जो है, जाइगोमेटिक आर्च है वो क्या किस किस से बनता है, जाइगोमेटिक प्रोसेस और टेम्पोरल बोन से, और टेम्पोरल प्रोसेस ऑफ जाइगोमेटिक बोन से क्या है ये बनता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जाइगोमेटिक आर्च बोलते हैं। ये कोरोनल सूचर दिखाया गया है यहाँ पे, ये आपका क्या फ्रंटल बोन दिखाई गई है, ये सिफ्नोइड बोन दिखाई गई है, ये सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन दिखाया गया है यहाँ पे, ये फ्रंटल सूचर है यहाँ पे, नेजल बोन है, नेजो एक्रल लैक्रिमल बोन है यहाँ पे, इथमोइड बोन है, ये मेडुला है, इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामिन है, जाइगोमेटिक बोन है, मेंटल फोरामिना है, मेंटल प्रोडमिस है और आपका मैंडिबल है। ये क्या है इस डायग्राम के अंदर आपके सूचर्स और जो है बोन स्कल की वो दिखाई गई है।
नेक्स्ट जो आपका डायग्राम है उसके अंदर क्या दिखाया गया है आपका, द बोन फॉर्मिंग द बेस ऑफ द स्कल एंड द क्रेनियल फोसा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है आपकी ऑक्सीपिटल बोन है, ये फोरामिना है, ये इथमोइड बोन है, सिफ्नोइड बोन है, राइट पैरेटल बोन है और राइट टेम्पोरल बोन है। ये जो आपका ये ब्राउन कलर का जो रेडिश ब्राउन कलर है ये क्या है आपका एंटीरियर क्रेनियल फोसा दिखाया गया है। ठीक है, और जो मिडिल क्रेनियल फोसा है वो आपका येलोविश कलर का दिखाया गया है, और जो ग्रीन कलर का है वो क्या है आपका पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा दिखाया गया है। तो इस डायग्राम में क्या दिखाया गया है, बोन फॉर्मिंग द बेस ऑफ द स्कल, बोन क्या करती है बेस बनाती है किसके स्कल का, एंड द क्रेनियल फेसा, और क्या बनाती है क्रेनियल फोसा बनाती है। तो जो आपका पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है वो कैसा है आपका ग्रीन कलर का जो दिखाया गया है उसके अंदर कौन सी बोन है, यहाँ पे ऑक्सीपिटल बोन है आपकी, और जो आपका रेडिश ब्राउन कलर का जो पार्ट दिखाया गया उसके अंदर आपकी इथमोइड बोन दिखाई गई है, और जो येलोविश जो मिडिल कलर मिडिल जो है उसके अंदर क्या आपकी राइट टेम्पोरल बोन है, राइट पैरेटल बोन है और आपकी सिफ्नोइड बोन दिखाई गई है। नेक्स्ट जो आपका है वो क्या है क्रेनियम, द क्रेनियम इज फॉर्म बाई ए नंबर ऑफ द फ्लेट एंड इरेगुलर बोन दैट प्रोवाइड ए बोनी प्रोजेक्शन फ्रॉम द ब्रेन। क्रेनियम वो किससे बनता है, क्रेनियम इज फॉर्म बाई ए नंबर ऑफ फ्लेट एंड इरेगुलर बोन्स, फ्लेट और इरेगुलर बोन से क्या ये बनता है और क्या करता है दैट प्रोवाइड ए बोनी स्ट्रक्चर फॉर द ब्रेन। प्रोटेक्शन क्या, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है किसको, जो अपनी बोन की जो बोनी स्ट्रक्चर जो है ठीक है उसको क्या ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। इट हैज ए बेस अपॉन विच द ब्रेन रेस्ट एंड द वेट दैट सराउंडेड इट एंड कवर्ड, ये क्या है इसका बेस है और क्या है इसको कवर करके रखते हैं। द पेरिस्टम इनसाइड द स्कल बोन कंसिस्ट ऑफ द आउटर लेयर ऑफ ड्यूरामेटर, किससे बनती है आउटर लेयर ऑफ ड्यूरामेटर से। इन द मेच्योर स्कल द ज्वाइंट सूचर्स बिटवीन द बोन्स आर इमूवेबल फाइबर्स, क्या है स्कल में जो ज्वाइंट्स होते हैं वहां पे क्या है सूचर्स प्रेजेंट होते हैं, जो अपने डायग्राम में देखे थे क्या है सूचर्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं इनको जोड़ते हैं आपस में। द बोन है न्यूमेरियस फॉर्मिना फीचर्स थ्रू विच नर्व ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स पास, बोन जो है वो क्या है न्यूमेरियस प्रोटेक्शन की होती है, परफॉर्मेंस की होती है, जो क्या है नर्व ब्लड और लिम्फ वेसल्स को पास करती है। यहाँ पे फॉर्मिना होता है, फीचर्स होते हैं जो अपने डायग्राम में देखे थे येलो कलर का है, ब्राउन कलर के जो थे वो क्या है फॉर्मिना है, फीचर्स हैं जो क्या करते हैं यहाँ पे नर्व और ब्लड लिम्फ वेसल्स को पास करते हैं। तो जो क्रेनियम है, क्रेनियम क्या है, क्रेनियम इज फॉर्म बाय ए न्यूमेरिक नंबर ऑफ ए फ्लैट एंड इरेगुलर बोन, ये क्या है फ्लैट और इरेगुलर बोन से क्या है मिलके बनता है और क्या करता है प्रोवाइड ए बोनी प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रेन, और ब्रेन को क्या है बोनी स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं। इट हैज ए बेस अपॉन विच द ब्रेन रेस्ट एंड द वर्ड द सराउंडिंग इट एंड कवर इट, क्या है बेस होता है और क्या इसके चारों तरफ कवर रहता है।
The पेरिस्टम इन साइड द स्कल बोन कंसिस्ट ऑफ द आउटर लेयर ऑफ द ड्यूरामेटर पेरिस्टम जो है किसमें कहाँ पर इन साइड द बोन स्कल बोन जो किससे बनती है आउटर लेयर ऑफ ड्यूरामेटर से बनती है इन द मेच्योर स्कल द जॉइंट मेच्योर स्कल के अंदर क्या है सूचर्स प्रेजेंट होते हैं जो इमूवेबल होने में हेल्पफुल करते हैं जिनको बांधे रखते हैं द बोन है न्यूमेरियस परफॉर्मेंस जो क्या करती हैं जो अपने नर्व हैं ब्लड हैं और जो लिम्फ वेसल्स हैं उनको क्या है पास करती हैं नेक्स्ट है द बोन ऑफ द क्रेनियम क्रेनियम की कौन सी बोन है क्रेनियम में एक फ्रंटल बोन होती है दो पैराइटल बोन होती हैं दो टेम्पोरल बोन होती हैं एक ऑक्सीपिटल बोन होती है एक स्फेनॉइड बोन होती है और एक इथमॉइड बोन होती है तो क्रेनियम में टोटल कितनी हो गई एक फ्रंटल की बोन हो गई दो पैराइटल बोन होती हैं एक टेम्पोरल बोन होती है एक ऑक्सीपिटल बोन होती है एक स्फेनॉइड बोन होती है और एक आपकी क्या होती है इथमॉइड बोन होती है ये क्या है आपकी जो क्रेनियम है उसके अंदर बोन प्रेजेंट रहती है तो टोटल कितनी हो गई आपकी टोटल 8 बोन हो गई वो कैसे कैसे हैं एक फ्रंटल है दो पैराइटल है दो टेम्पोरल है एक ऑक्सीपिटल है और एक स्फेनॉइड है और एक इथमॉइड बोन है ये सारी की सारी बोन मिलकर क्या करती है आपका जो क्रेनियम पार्ट है उसको बनाती है स्कल का जो क्रेनियम पार्ट है वो क्या है बनाती हैं तो इसमें सबसे पहले क्या है अपनी फ्रंटल बोन है फ्रंटल बोन में क्या है दिस इज द बोन ऑफ द फोरहेड ये क्या है फोरहेड की बोन होती है इट फॉर्म पार्ट ऑफ द ऑर्बिटल कैविटी क्या बनाती है ऑर्बिटल कैविटी में जो अपने आई सॉकेट है वो क्या है ये फ्रंटल बोन से बनते हैं एंड द प्रोमिनेंट राइज अबव द आईज एंड द सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन जस्ट अबव द सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन कहाँ पे प्रेजेंट होती है जस्ट अबव द सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन विद इन द बोन देर आर टू एयर फिल्ड कैविटीज ऑफ साइन और साइनस लाइन विद द सीलेटेड म्यूकस मेम्ब्रेन विच है ओपनिंग इन टू द नेजल कैविटी और इसकी ओपनिंग कहाँ पे होती है नेजल कैविटी के अंदर क्या है इसकी ओपनिंग होती है द कोरोनल सूचर जॉइंट द फ्रंटल एंड पैराइटल बोन जो अपना कोरोनल सूचर है वो क्या करता है फ्रंटल और जो पैराइटल बोन है उनको क्या है जोड़ता है एंड अदर फाइब्रस जॉइंट आर फॉर्म विद द स्फेनॉइड जाइगोमेटिक लैक्रिमल नेजल एंड इथमॉइड बोन तो इसमें जो अपनी फ्रंटल बोन है इसमें सूचर कौन सा होता है इसके अंदर जो आपका कोरोनल सूचर है वो प्रेजेंट होता है द बोन ओरिजिनेट इन टू टू पार्ट जॉइन द मिडिल लाइन ऑफ द फ्रंटल सूचर ये जो कितने भागों में ओरिजिनेट होती है दो पार्ट में क्या है ये ओरिजिनेट होती है मिड लाइन से और इस वहाँ पे कौन सा सूचर प्रेजेंट होता है फ्रंटल सूचर वहाँ पे क्या है प्रेजेंट होता है तो जो आपका फ्रंटल बोन क्या है फोरहेड की बोन है क्या बनाती है ऑर्बिटल कैविटी बनाती है आई सॉकेट की ठीक है इसकी ओपनिंग कहाँ पे होती है नेजल कैविटी में इसकी ओपनिंग होती है
यहाँ पे कोरोनल सूचर प्रेजेंट होता है किस किस के बीच में, फ्रंटल एंड पैराइटल बोन के बीच में कौन सा सूचर प्रेजेंट होता है, कोरोनल सूचर प्रेजेंट होता है, द बोन ओरिजिनेट इंटू टू पार्ट जॉइन इंटू द मिडिल लाइन बाय द फ्रंटल सूचर, और ये जो बोन है ये दो भागों से क्या है ओरिजिनेट होती है, तो यहाँ पे कौन सा सूचर प्रेजेंट होता है, फ्रंटल सूचर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अपनी है पैराइटल बोन, पैराइटल बोन क्या है, दिस बोन फॉर्म द साइड एंड रूफ ऑफ द स्कल, ये क्या है, दिस बोन फॉर्म द साइड एंड रूफ ऑफ द स्कल, रूफ बनाती स्कल की, दे आर्टिकुलेट विद ईच अदर एट द सेजाइटल सूचर, ये आपस में एक दूसरे से कौन से सूचर से जुड़ती हैं, सेजाइटल सूचर से ये जुड़ती हैं, विद द फ्रंटल बोन एट द कॉर्नल सूचर, फ्रंटल बोन है वहाँ पे कौन सा सूचर होता है, कॉर्नल सूचर होता है, विद द ऑक्सीपिटल ऑक्सीपिटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन पे कौन सा होता है, लैम्बडोरल सूचर होता है, और जो अपना टेम्पोरल बोन है वहाँ पे कौन सा है, स्क्यूमस सूचर होता है। तो ये क्या बनाती है, आपकी रूफ बनाती है, इसके अंदर क्या है, सभी में अलग अलग क्या है, सूचर होते हैं, फ्रंटल बोन से कौन सा है, सजाइटल सूचर, कोरोनल सूचर किससे है, द आर्टिकुलेट विद ईच अदर एट द सजाइटल सूचर, एक दूसरे से किससे जुड़ते हैं, सजाइटल सूचर से, विद द फ्रंटल बोन, फ्रंटल बोन किससे, कोरोनल सूचर से, ऑक्सीटल ऑक्सीपिटल बोन किससे, लैम्बडोरल सूचर से, और टेम्पोरल बोन है वहां पे कौन सा है, स्क्यूमस सूचर वहां पे प्रेजेंट होता है। द इनर सर्फेस इज कॉन्केव एंड ग्रोविड ग्रेव्ड बाय द ब्रेन एंड ब्लड वेसल्स, नेक्स्ट अपनी है टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन के बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल। जो आपका स्केलेटल सिस्टम है उसके अंदर जितने भी आपको डायग्राम बनाए जा रहे हैं वो सभी डायग्राम बना लें, क्योंकि स्केलेटल सिस्टम जो है वो बिना डायग्राम के अपने समझ में नहीं आएगा। तो जितने ज़्यादा डायग्राम बनाओगे स्केलेटल सिस्टम में उतना ही आपके क्या है ये इजीली समझ में आ जाएगा। थैंक्स टू ऑल।